और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में, और ये झटके काफी तेज हैं। इस वक्त जिस तरीके से ये तेज झटके महसूस किए गए हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से देखिए महसूस किए गए हैं। थोड़ी देर पहले ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में दहशत का माहौल है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता फिलहाल पता नहीं चल पाई है कितनी रही, लेकिन जो झटके थे वो काफी तेज थे। जैसे ही जानकारी मिलेगी कि भूकंप की तीव्रता या एपिसेंटर क्या रहा, हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी अभी खबर आ रही है कि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। हाई राइज बिल्डिंग से लोग जो है वो बाहर निकल आए हैं। तेज झटके देर रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए हैं। खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता क्या रही, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन बस कुछ ही देर पहले, कुछ सेकंड पहले जो है ये भूकंप के तेज झटके जो है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। इसके पहले भी एक के बाद एक किस तरीके से जो है तेज झटके महसूस किए गए थे। हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, भूकंप के तेज झटके महसूस किए, आप इस वक्त कहाँ हैं, क्या हालात, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, ऐसी खबर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल तेज झटके थे, भूकंप के रात का वक्त था और इसके बाद जो सभी लोग थे वो सोने की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन इतनी तेज भूकंप के झटके महसूस किए कि लोग जो है वो भी अचानक से डर गए और उसके बाद अपने अपने घरों से नीचे जो है वो अब आने लगे हैं। काफी ज्यादा कौतूहल का विषय था, क्योंकि कुछ लोग सोने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग टीवी देख रहे थे, ऐसे में अचानक से जब पंखे हिलने लगे, जो बेड है वो हिलने लगी, जो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे, प्लेट जब हिलने लगी, उसके बाद लोग आनंद फानंद में अपने घरों से बाहर निकले और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एक तेज भूकंप जो है उसके झटके महसूस किए गए हैं, उसके लोगों में काफी ज्यादा डर है। अब से कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से दिल्ली में भूकंप के झटके आए थे, उसके बाद लोग काफी ज्यादा परेशान थे, डरे हुए थे, लेकिन अभी इस बार फिर जो आज झटके महसूस किए गए हैं, इसका जो रिक्टर स्केल पे पैमाना है वो भी काफी ज्यादा है। और यही कारण है कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से भूकंप के झटके आ रहे हैं, उनसे लोगों में काफी ज्यादा डर पैदा हो गया है। और यही कारण है कि लोग अब रात में भी घरों के बाहर निकल रहे हैं। कई लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि अब रात में घर में वापस जाना जो है वो सुरक्षित भी नहीं लग रहा है। ऐसे में काफी ज्यादा डर का माहौल है इस पूरे भूकंप के झटके के बाद से। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया।